डॉक्टर साहब नमस्ते। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग सर। कुछ लोग ऐसे काम करते जी, दे थिंक दैट छुपा लेता छुप सकते, प्यार भी करते दुश्मनी भी करते हेल्प भी करते। तो प्यारे डॉक्टर साहब जी नमस्ते, मैं आपका ऋणी हूँ। जीवन के हर क्षण हर पल हमें आपने हेल्प किया है, और आप इस तरह के सवाल पूछ के हमको और एक अच्छे इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में बताता हूँ आपको। ये रहीम कवि जी थे जो बहुत ही महान थे, जिन्होंने लोगों को ये बताया था कि अगर तुम किसी की उपकार करते हो, किसी के जीवन में खुशियाँ देते हो, किसी की भलाई करते हो, तो ये कभी छुप नहीं सकता है, और अगर किसी दुश्मनी करते हो तो ये भी छुप नहीं सकता है। और इन्होंने ये भी बताया कि दुश्मनी का परिणाम होता है सर्वनाश। रावण ने राम के साथ दुश्मनी किया, उसकी पत्नी को बलात्कार करने के लिए अपहरण करके ले गया तो उसका विनाश हुआ। दुर्योधन ने माता द्रौपदी को भी सभा में, पूरी सभा में जब वो रजस्वला थी, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा था, नंगा कर दिया था, इतना बड़ा घनघोर अपराध किया था। पांडव वहाँ सभा में बैठे थे, तमाशा देखते रहे, भीष्म तमाशा देखता रहा, इसलिए भीष्म की मृत्यु हुई। सबसे बड़ा जघन्य अपराध है, इतने महावीर होने के बाद भी उसने द्रौपदी को नंगा करते देखा। धर्म है हमेशा सुकर्म के लिए अपने जीवन की आहुति देना, उसका विनाश हो गया, इसीलिए मारा गया। आचार्य द्रोण का भी विनाश इसीलिए हुआ, सभी तमाशा देख रहे थे। एक अबला जो कि जुए में हार गया था, युधिष्ठिर ने जुआ खेलते हुए, कुकर्म करते हुए, जुआ खेलना, दारू पीना, शराब पीना, ये अपराध है, हार गया द्रौपदी को, और तब उसका गुलाम बन गया तो उसको नंगा कर दिया। दुर्योधन का विनाश हुआ और जितने भी समर्थक थे सबों का विनाश हो गया। तो इसीलिए रहीम कवि जी बोलते हैं कि अगर तुम कुकर्म करोगे ना तो पाप का घड़ा फूटता है, और सुकर्म करोगे ना तो तुम्हारे किए हुए सुकर्मों के सूर्य भी उगते हैं। तो सोच लो तुम क्या करना चाहते हो। तो मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि बचपन से ही आप में कुछ ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि आप सुचारू रास्ते ही चले कर। इसका कारण था कि आप दिमाग का इस्तेमाल किया, आपने अच्छाई और बुराई में भेद समझा और सोचे कि अच्छा ही काम करना है, और इसीलिए प्रकृति ने आपको प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया, ऐसा वातावरण तैयार किया कि आप एक बहुत बड़े डॉक्टर बन गए। ये डॉक्टर डिग्री से नहीं हुआ आपको, ये आपके साधना से हुआ, आपकी तपस्या से हुआ। आपने लाखों लाखों पेशेंट पर रिसर्च किया कि अगर ये पेशेंट ऐसा है तो इसका कारण क्या है, उस कारण को समझा, और आप तरह तरह के मेडिकेशन किए। जैसे जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स होता है ना, बहुत बड़े बड़े, जैसे रेड्डी लैब्स है और GVK बायोटेक है, वहाँ रिसर्च होता है कि मेडिसिन का इफ़ेक्ट क्या होता है। आपने खुद एक ऐसा रिसर्च किया, और इसीलिए आप पेशेंट को देखते ही समझ जाते हैं कि किस कारण से पेशेंट बीमार हुआ है, बिकॉज आपको मालूम है कॉज एंड इफेक्ट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ कर्मा, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल आएगा। तो फल देख के पहचान जाते हैं कि इसका कारण क्या है, एज यू सो सो यू शैल रीप। तो इसीलिए अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है, और कर्म होता है अच्छे सोच से, अच्छे सोच से अच्छी वाणी होती है, अच्छे कर्म होते हैं, और इसीलिए वो आदमी पवित्र हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है, दिमाग का इस्तेमाल करता है, इसीलिए वो कभी भी विपत्ति में नहीं फंसता है, कभी गलत ही नहीं करेगा, प्रकृति उसी का समर्थन करती है। इसीलिए आप योग विद्या में सुने होंगे ईश्वरा परिधाना, अगर जिंदगी में तुम सचमुच योगी हो, प्रेम करने वाले हो, जुड़ने वाले हो, तो प्रकृति के किए नियम कानूनों को फॉलो करो, उसके पद चिन्हों पर चलो। प्रकृति बिल्कुल सबसे इंटेलिजेंट है, प्रकृति का करिश्मा देखो। जो लोग प्रकृति के भेद को नहीं समझते वो भ्रम में पड़ के भगवान मान लेते हैं, और दूसरे लोगों का नाम नहीं लूँगा तो सर जन से जुदा कर देंगे आपको, वो सभी मूर्ख थे, वो कुछ नहीं समझा। लेकिन जो वैज्ञानिक है प्रकृति के रहस्य को समझता है, इसलिए आपको एरोप्लेन दिया, धरती से मिनरल निकाला, आपको आज स्टील बनाया, डायमंड बनाया, क्या क्या बनाया, प्रकृति के रहस्य को समझा, प्रकृति के नियम कानून को समझा। तो रहीम यही बोल रहे हैं
प्रकृति के नियम से चलो, प्रकृति जुड़ना जानता है, अगर तुम बिछड़ोगे तो। एक कविता उन्होंने सुना दिया, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति रही मोहम्मद पान, रहीमन दावे ना दवे जानत सकल जहान। ये जितने भी कर्म है ना, जो प्रकृति के अनुकूल है वो भी प्रकट हो जाता है, जो प्रकृति के विपरीत है वो भी प्रकट हो जाता है। इसीलिए सर, हमेशा प्रकृति के कारण फायदा करिए और छुप नहीं सकता हो। और एक प्रसिद्ध कविता उनकी यह है, देनहार कोई और है जिन दे बदिर रहे, लोग भ्रम मुझ पर करे ताशो नीचे ने। कहने का मतलब है कि प्रकृति देता है, जो सचमुच प्रकृति का पुत्र है पुत्री है वो देना जानता है। पेड़ फल देते हैं, सरिता प्रकृति का अंश है, नदियाँ वो पानी देती है, हवा चलती है वो भी जीवन दायनी ऑक्सीजन देती है, लाइफ वाइटल फोर्स। इसीलिए प्रकृति के नियम है देना और प्रेम से जीना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।